आज मैं बात करने वाला हूं शॉवर्स और ग्रोवर्स क्या होता है। ये पेनिस के बारे में, मतलब लिंग के बारे में होता है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्त तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 38 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। शॉवर्स और ग्रोवर्स यह टर्मिनोलॉजी लिंग के लंबाई के बारे में उपयोग में लाया जाता है, इस्तेमाल की जाती है। देखिए, जब पेनिस ढीलेपन में रहता है, ढीला रहता है, फ्लैसिड रहता है, तब अप्रॉक्सीमेटली वो 1.5 इंच से लेके 3 इंच, 4 इंच ऐसा रह सकता है, 5 इंच ऐसा रह सकता है। जब वो इरेक्ट होता है, कठोर होता है, टाइट हो जाता है, तब उसमें कम से कम 150 ml खून अंदर घुस जाता है और वो फिर उस समय पेनिस जो है वो 5 इंच से लेके 9 इंच तक ऐसा लंबा हो सकता है। अभी क्या है कि जो शॉवर्स है, शॉवर्स वो लोग कहलाते हैं या उनको कहते हैं कि जिनका लिंग ढीला है तभी उतना ही लंबा ही है, उतना ही लंबा है, और टाइट हुआ तभी उतना ही लंबा है। और ग्रोवर्स जो है वो लोगों को कहा जाता है कि जितना जिनका लिंग टाइट होने के बाद में लंबा होता है और गोलाई में भी मोटा हो जाता है। तो शॉवर्स और ग्रोवर्स के बारे में स्टडी की गई। एक स्टडी में ऐसा पाया गया कि 274 लोगों को वो स्टडीज में लिया और उनके लिंग में वैसोडायलेटर इंजेक्शन दिया। वो इंजेक्शन देने के बाद में उनका पेनिस जो है वो इरेक्ट हो गया, टाइट हो गया, कठोर हो गया। तो बाद में स्टडी किया तो मालूम पड़ा कि 73 लोग है, 274 में से 73 लोग जो है वो ग्रोअर्स थे। मतलब 73 लोगों में, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 26% लोगों में ऐसा हुआ कि उनका उनकी लिंग की लंबाई और गोलाई बढ़ गई। और 201 लोग, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 74% लोग हैं, उनके कठोरता तो आ गई मगर लंबाई और गोलाई बढ़ी नहीं। तो मोटा मोटा ऐसा हिसाब है कि इरेक्ट होने के बाद में यदि 1.5 इंच से ज़्यादा लंबा और गोलाई में ज़्यादा हो जाता है तो उसको ग्रोअर कहते हैं, और वो 1.5 इंच से कम हो गया इरेक्शन में तो उसको शावर कहते हैं। ऐसे अलग अलग स्टडीज में अलग अलग उसके नाम मापदंड है। इन शॉर्ट क्या है, इन शॉर्ट टेक होम मैसेज क्या है, इसमें टेक अवे मैसेज क्या है कि भाई शॉवर्स वो लोग हैं कि जो लोगों का ढीलापन में और टाइटपन में लिंग की लंबाई और गोलाई उतनी रहती है, टाइट हो जाता है मगर गोलाई लंबाई उतनी रहती है, और ग्रोअर्स वो लोग हैं कि जिनका टाइट होता है तो लंबाई और गोलाई बढ़ जाती है। ये ऐसा क्यों होता है? तो हो सकता है कि शॉवर्स जो लोग हैं, मतलब जिनकी लंबाई बढ़ती नहीं है, टाइट होता है मगर बढ़ती नहीं है, हो सकता है कि उनका वंश परंपरा ऐसा हुआ होगा, मतलब फैमिलियल है, वंश में चलता आ रहा है। पेनिस में इलास्टिसिटी कम है, लवचिकता जिसको बोलते हैं वो कम है, लचीलापन। कुछ लोग अल्कोहल लेते हैं, टोबैको लेते हैं, उससे हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा फैट होने से ऐसा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा फैटी है, ओबेस ज़्यादा है तो उससे भी हो सकता है, क्योंकि सब उसमें समझो फैट बहुत ज़्यादा है, अम्बिलिकस जो है उसके नीचे यदि फैट ज़्यादा है, मतलब पेनिस के ऊपर बहुत ज़्यादा फैट जमा है तो पेनिस छोटा दिखता है, लंबा दिखता ही नहीं। और फिर लोग हमारे पास में आते कि मेरा पेनिस छोटा है, तो पेनिस छोटा नहीं है, आजू बाजू का फैट इतना ज़्यादा हो गया कि उसमें पेनिस दब गए और मालूम ही नहीं पड़ता, तो वो एक कारण हो सकता है। तो ऐसे अनेक कारण है। मैसेज ये है कि डरने की बात नहीं है, यदि आप शॉवर में है, मतलब आपकी लिंग की लंबाई बढ़ती नहीं है, टाइट होता है मगर बढ़ती नहीं है, तो आप मैक्सिमम लोगों के ग्रुप में आते हो कि जिनका ऐसे ही है, और उसमें चिंता करने की बात नहीं है। वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी।
ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे दिए नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।